एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको सिंपलीफाई करना है, अगर प्लस दिया हुआ है बीच में तो ऐड करना है, माइनस दिया हुआ तो सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे बड़ी बात, आपको कैसे फ्रैक्शन दिए हुए, लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। कुछ नहीं करना बेटा, आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट उठाना है। जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या होगा, एलसीएम, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों आपके क्या है, सेम। तो इट विल बी एलसीएम। न्यूमरेटर यहाँ से कितना है, 1, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। यहाँ से न्यूमरेटर कितना है बेटा, 1, तो 1+1 इज इक्वल टू 2। तो 2/18, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो कितना आ गया, 1/9। क्लियर। नाउ मूव ओवर बी पार्ट। बी पार्ट में भी सेम बेटा, डिनोमिनेटर क्या है आपका, 15। डिनोमिनेटर आपका क्या है, 15। क्लियर। तो यहाँ से बेटा आपका क्या आ गया, न्यूमरेटर 8, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ क्या आ गया, 3, 8+3 इट मीन्स 11, 11/15। तो यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर, 11/15। नाउ मूव ओवर सी पार्ट। सी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 7/7 -5/7। ठीक है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, 7, तो एलसीएम विल बी 7, एलसीएम विल बी 7। तो यहाँ से न्यूमरेटर क्या आ गया बेटा, 7, बीच में माइनस है तो माइनस। यहाँ से न्यूमरेटर क्या है, 5, तो यहाँ से क्या आ गया, 5। तो 7 में से 5 गया बेटा 2, तो क्या आ गया, 2/7, क्या आ गया, 2/7। नाउ मूव ओवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी आपका क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, 1/22 +21/22। पहली कंडीशन, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के सेम, दोनों के सेम हैं, तो डिनोमिनेटर यानी कि एलसीएम क्या आ गया, 22। यहाँ से न्यूमरेटर 1, बीच में प्लस का साइन, यहाँ से न्यूमरेटर 21। तो 21+1 22, एंड 22/22 22 × 1 = 22। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से, 1। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, विच इज पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर ई आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बेटा, 12/15 -7/15। सो एलसीएम विल बी 15। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, 15। नाउ न्यूमरेटर यहाँ पे देखो, सबसे पहले डिजिट का न्यूमरेटर क्या है, 12, बीच में माइनस है तो माइनस। यहाँ न्यूमरेटर 7 है तो 7, 12 में से 7 गया 5, तो 5/15 जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, कितना आ गया बेटा, 1/3, कितना आ गया, 1/3। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर एफ। पार्ट नंबर एफ आपका क्या कह रहा है, पार्ट नंबर एफ भी आपको सेम ही दिया हुआ है बेटा, जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम। देखो बेटा पार्ट नंबर एफ, 5/8 + 3/8। नाउ एलसीएम विल बी, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम विल बी 8। यहाँ से न्यूमरेटर 5, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है बेटा, 3, तो 3 बेटा, 5+3 = 8, 8/8, 8 × 1 = 8। तो एलसीएम कितना आ गया, सॉरी टोटल कितना आ गया, 1। ठीक है, नाउ देखो नेक्स्ट पार्ट नंबर जी, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सा रहेगा, ध्यान से देखना, 1 - 2/3। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है दैट 1 = 3/3। क्यों दिया हुआ है, यू नो वेरी वेल बेटा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो क्या आ जाता है, 1। अब एक और चीज़ ध्यान से समझ लो, दिस इज़ 1। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे, इसके डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करके, इसके डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई करके। यहाँ डिनोमिनेटर 3 है तो मैंने इसको भी 3 से किया, अगर डिनोमिनेटर को करी तो न्यूमरेटर को भी करूँगी, इक्वल तो रखना है। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 × 1 = 3, 3/3 -2/3, सो एलसीएम विल बी 3। एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, 3। अब ये देखो न्यूमरेटर विल बी 3, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ से न्यूमरेटर 2, तो कितना आ गया, 1/3, यहाँ से कितना आ गया, 1/3। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर एच। वो क्या कह रहा है, 1/4 + ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया गया है, बाकी सिंपल एक स्टेप का आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एच पार्ट, 1/4 + 0/4। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, सबसे पहला क्वेश्चन, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, जीरो। जीरो को किसी नंबर से, जीरो को किससे डिवाइड किया, 4 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, और जीरो किसी नंबर में प्लस करोगे तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम, 1/4। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर एच। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर आई। आई पार्ट क्या कह रहा है, देखो यहाँ से,
3 माइनस 12 बाई 5 यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का क्या लिया एलसीएम 5 और 1, 5 वन सा 5, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा यहाँ से 5, पहली के डिनोमिनेटर से इसको क्या करोगे डिवाइड, 1 से 5 को डिवाइड करोगे तो 1 5 सा 5, कोशियंट क्या आया 5, जो कोशियंट आएगा उससे किसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, 5 3 सा कितना बन गया 15, बीच में माइनस है तो माइनस, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 5 वन सा 5 कोशियंट 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे 12 से, तो क्या आ जाएगा 12, तो बेटा 15 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3 बाई 5, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से 3 बाई 5, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी में कर लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, शुभम पेंटेड 2 बाई 3 ऑफ अ वॉल, ध्यान से देखना, शुभम ने टोटल कितना पेंट किया 2 बाई 3 ऑफ अ वॉल, टोटल वॉल का 3 बाई सॉरी वॉल स्पेस इन हिज रूम 2 बाई 3 ऑफ द वॉल, टोटल वॉल का 2 बाई 3 परसेंट, ठीक है। His sister Madhvi helped and painted 1 by 3 of the wall. Then how much did they paint together? उन दोनों ने मिलके कितना पेंट किया? मिलके पेंट करने का क्या मतलब है बेटा? प्लस करना। मिलके पेंट करने का मतलब क्या है? प्लस करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या क्या कह रहा है? शुभम पेंटेड, क्या लिखोगे सबसे पहले? शुभम पेंटेड कितना पेंट किया शुभम ने? 2 by 3। और सिस्टर माधवी, माधवी ने कितना पेंट किया बेटा? माधवी पेंटेड 1 बाई 3, टोटल कितना पेंट किया 2 बाई 3, शुभम वाला पार्ट प्लस माधवी वाला कितना 1 बाई 3, सो एलसीएम विल बी 3, 3 वन ज़ा 3, 2 वन ज़ा 2, तो 2 प्लस 3 वन ज़ा 3, 1 वन ज़ा 1, तो 2 प्लस 1, 3, 3 बाई 3, यानी कि उन्होंने कंप्लीट एक वॉल को क्या कर दिया पेंट। यहाँ से क्या आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।